सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। भंडारी गली स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी के आवास पर भगवान परशुराम संदेश सांझा संग्रह लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। उक्त अवसर पर कवि इंद्रजीत तिवारी, निर्भीक चकाचक बनारसी, चकाचौंध ज्ञानपुरी, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी आदि उपस्थित रहे। अपने आगे पकड़िए ना, बीच में हम दे देंगे। एक बहुत बड़ा श्रीवास्तव जी एवं इंद्रजीत जी व सभी जितने भी राजीव शुक्ल जी सभी लोग जितने भी पधारे हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। देखिए विश्वनाथ की नगरी विश्वनाथ जी का महत्व मैं ये चूँकि इस बार जो कार्यक्रम हुआ बड़ा जल्दबाजी हुआ और ये काशी विश्वनाथ शरण की बैनर के तरह गया, क्योंकि सारी दुनिया किस काशी विश्वनाथ के शरण में आती है तो उसका एक रूप दिया गया है और ईश्वर जाएगा तो इसको मैं धीरे धीरे हमेशा छमासी करने का प्रयास करें। लोग वार्षिक करते हैं, मैं छमासिक बनने का प्रयास करूँगा क्योंकि छः महीने में एक बार होगा। परशुराम को ये नहीं कि परशुराम को आप रख के पूजा करिए, परशुराम का पूजन जैसे विष्णु के आठवें अवतार में छठवें अवतार में उस तरफ हवा। इस बार मैं गया था विश्वनाथ जी को बाबा को लेकर परशुराम भगवान को लेकर प्रतिमा को तो भाव से स्पर्श कराया था, वो स्पर्श जो कराया था उसके बाद देश में चर्चा जो भगवान परशुराम हैं और भगवान परशुराम की ये छमासिक हम जो इस आयोजन में करेंगे। और मैंने इस चीज़ को हमारे भतीजे मेरे बेटे जी हमारे यहाँ बाबा विश्वनाथ की देवी प्रतिमा आरती होती है आप अंदर देख सकते हैं। मैं इतने बेटे हिमांशु राज पांडे को मैंने दायित्व दिया है कि आप इसको अपने आवास में रख के भगवान परशुराम डेली इनका पूजन भी कराएंगे और जो भक्त आते हैं उनको दर्शन कराएंगे, उनको बताएँ कि ये है क्या, क्योंकि क्योंकि आज हम जो है भौतिकी में जो है भटक गए हैं, हम उनको देख रहे हैं जो मीडिया पे जो है संगीत उन्हें सुनाते जो भजन करते थे भागवत जी सब, लेकिन हम अपनी असली दुनिया वास्तव में लौटना है और वास्तविक दुनिया ही है कि धर्म की दुनिया, काशी धर्म की नगरी, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर मतलब चारों जो आप अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो काम की कामना भगवान शंकर ने काम को जो है डबल कर दिया, मोक्ष की नगरी है ये, बाबा की नगरी है ये, बहुत बड़ी नगरी है ये, विश्व को प्रकाशित स्वयं अंधकार होती। आप जैसे लोग अगर यहाँ उपस्थित हैं तो अंधकार भी मेरा दूर हो जाएगा, इससे मैं बाकी आप लोग सब जाता है मेरे पास जो शब्द मैंने आपसे व्यक्त कर दिया, बाकी जय विश्वनाथ शरण मान। महाराज जी महाराज जी एक छोटा सा सवाल है सर मेरा महाराज जी सवाल, महाराज जी ये सवाल है, वाराणसी में इस समय ज्ञानवापी का प्रकरण अपने चरम पे चल रहा है सर, और वर्तमान में आपने सर वजूखाने के तहखाने में शिवलिंग की सर बात भी हुई है और पूजा अर्चना के लिए सर याचना भी हुई सर, मैं उस पर दो शब्द आपसे चाह रहा था सर। मैं बता दूँ ये शिव की नगरी है, विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ पे शिव अचीव है, 35 करोड़ देवी चलता, तिल तिल शंकर कड़कड़ में शंकर विराजमान, ये मांग नहीं है ये धर्म की पुकार है। आप सुनते होंगे कि गौ हत्या हत्या बंद हो धर्म का ना, ये तो इस समय वो समय आ गया। ये वजू खाना क्या होता है मैं नहीं जानता, वजू खाना मैं चीज़ पर बाबा को जल चढ़ाना जानता हूँ, हम लोग बाबा के चढ़ा मिल देते हैं। ये जो चल रही है कहानी, इस कहानी के पीछे रचयिता कुछ और है, जो इस देश की जो है जो हमारे सौहार्द में प्रेम को विघटन करने का प्रयास करें। मैं तो काशी में सबकी आवाज़ उठा, मैं आप सबकी तरफ से आवाज़ उठा, अभी तो साधु संत समाज सब उठाएंगे और इतनी याचिकाएं मैं कराऊंगा पूरे देश से, जो देश की याचिका की सुप्रीम कोर्ट भी सोचना पड़ जाएगा कितनी है, अगर 110 करोड़ जनता अगर आवाज़ लगाएगी तो याचिका देखने को मिलेगी, उतनी सुप्रीम कोर्ट तक फाइल लेगी। मैं उस तरफ दिया, मैं मंदिर में देखिए वो गलत है, उनका टोपा देख लीजिए, उनका कब्जा किया हुआ भूमि है उस पर नमाज पढ़ते हैं, वो प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है आपका इतिहास जो है विध्वंसक है, मूर्ति भंजक है, आज भी आप प्रति रखें बाबा विश्वनाथ हमारे परशुराम के फरसा दिन का कतल हो। क्या बात है। मैं कवि इंद्रजीत तिवारी, निर्भीक प्रधान संपादक भगवान परशुराम संदेश साझा संग्रह। विगत 2007 से निरंतर भगवान परशुराम स्मृति सम्मान और अनेकों प्रकार के विविध साहित्यिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन का क्रम चल रहा है और यह कार्यक्रम जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी के प्रमुख संरक्षण में और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत श्री डॉक्टर कुलपति तिवारी जी
डॉक्टर अनिल तिवारी जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश जी, डॉक्टर सुभाष जी सहित श्री रविंद्र अरविंद पांडे जी और ओम प्रकाश पांडे जी, राकेश चंद पाठक महाकाल जी सहित तमाम लोगों के आशीर्वाद से, स्नेह से, प्यार से, उनकी कृपा से यह कार्यक्रम चल रहा है। इसको स्वास्थ्य गंगा फाउंडेशन के अध्यक्ष राजीव शुक्ला जी और चपाचक बनारसी जनसेवा साहित्य शोध ट्रस्ट के अध्यक्ष महासचिव डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव चपाचक बनारसी जी ने, यह विगत 3 वर्ष नहीं प्रकाशित हुआ, इसको इस वर्ष बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकाशित करवाए हैं और इसमें 67 रचनाकारों की रचनाएं लगी हैं और इस अंक के बाद 3 अंक और प्रकाशित होगा, जो दूसरा अंक हमारा लखनऊ से यूपी प्रेस क्लब में बाबा विश्वनाथ सर्वम विशेषांक होगा सावन में, और तीसरा अंक हमारा दिल्ली में प्रकाशित होगा और चौथा पटना में प्रकाशित होगा। तो इसी तरह से यह क्रम और कार्यक्रमों का दौर हम लोग चला करके, हे बंधु और वंशज हैं हम सब परशुराम और चाणक्य के, वक्त पर तेवर दिखाना जानते हैं, राज सत्ता भी रही चरणों की दासी इसे चलना सिखाना जानते हैं, इसी उद्देश्य को लेकर के यह प्रतिमा पांडे जी एडवोकेट और अनामिका अर्ष जी जो मान्यता प्राप्त दूरदर्शन आकाशवाणी की उद्घोषिका हैं उनके संचालन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर चकाचौध ज्ञानपुरी जी ने किया सहित तमाम लोगों ने यह इस कार्यक्रम को आशीर्वाद संरक्षण सहयोग स्नेह दिया है। हम सभी लोगों का संक्षिप्त परिचय बता दीजिए। चार पत्रिका और ले लो, चाची जी को सब कुछ जी जी। आज सादा संग्रह का विमोचन हुआ है जी, जिसमें करीब 60 लोगों के कविताओं का प्रकाशित हुई है, कविताएं प्रकाशित हुई है जी। उसमें मेरी भी एक कविता प्रकाशित हुई है जिसका मतलब है कि टुकड़ों में बिखरना नहीं जुड़ना है जिंदगी, पुरुषार्थ से तकदीर बदलता है जिंदगी जी। वाह, कुंदन से चमकता वही जो तपता आदमी, सर पर तिरंगा बांध के बढ़ना है जिंदगी।